अगर बीजेपी वाले ऐसा कह रहे हैं तो बीजेपी वालों को धर्म ग्रंथ में ये सब जिस जिस धर्म ग्रंथ में इसका वर्णन है उस धर्म ग्रंथ को जला देना चाहिए। जबकि प्रधानमंत्री जी ने हर बात 100 में मतलब 101 झूठ बोलते हैं। उन्होंने हमारे भारत के युवा और युवतियों को शिक्षित करने का काम किया है ताकि जनसंख्या नियंत्रण पर काबू हो। जो दुर्व्यवहार बृजभूषण सिंह ने मतलब किया उसको क्या उन पर कोई कार्रवाई हुआ? इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना मतलब दो दो लाख रुपया देने का घोषणा किया है, ये बीजेपी और आरएसएस वालों को गले से नीचे नहीं उतर रहा है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को पॉर्न की किताब तकिया के बगल में लेकर के सोना चाहिए। अगर बीजेपी वाले ऐसा कह रहे हैं तो बीजेपी वालों को धर्म ग्रंथ में ये सब जिस जिस धर्म ग्रंथ में इसका वर्णन है उस धर्म ग्रंथ को जला देना चाहिए। बीजेपी लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव पर भी दबाव बनाया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री से क्यों नहीं ये लोग इस्तीफे पे मांग कर रहे हैं? जबकि प्रधानमंत्री जी ने हर बात 100 में मतलब 101 झूठ बोलते हैं, तो पहले तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना मतलब चाहिए, इसलिए देना मतलब चाहिए। नीतीश कुमार जी ने जो बयान दिया है उन्होंने हमारे भारत के युवा और युवतियों को शिक्षित करने का काम किया है ताकि जनसंख्या नियंत्रण पर काबू हो। लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, हमारे जो है भारत के महिला खिलाड़ी के साथ उन्हीं के सांसद जो दुर्व्यवहार बृजभूषण सिंह ने मतलब किया उसको क्या उन पर कोई कार्रवाई हुआ? इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना मतलब चाहिए। हथरस में एक दलित के बेटी के को बलात्कार कर करके रातों रात उसको जिंदा जला दिया गया, उस बेटी को आज तक इंसाफ नहीं मिला, इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना मतलब चाहिए। और मणिपुर में जो दो बेटियों को जो रोड पर नंगा दौड़ाया गया उस मुद्दे पर भारत के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना मतलब चाहिए। अच्छा, एक सवाल यह है कि तेजस्वी यादव का पोस्टर पूरे राजधानी पटना में लगाया गया, आप लोग प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं खेल रहे हैं नीतीश कुमार पर कि अब उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए जन्मदिन के बहाने? तेजस्वी जी बिहार के जनता के दिल में रह रहे हैं और जनता का काम है, समझ गए? मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने का काम मतलब जनता करती है, पब्लिक करता है, और आज तेजस्वी यादव जी जन जन के मतलब दिल में है। और तेजस्वी यादव जी का मुख्य मकसद है कि बिहार में खुशहाली आए, जो शोषित वंचित हैं उनको अधिकार मिले। और जब से हम लोग महागठबंधन का सरकार बना है, आप तब से देख लीजिए पूरे सामाजिक न्याय के स्तर पर बिहार में काम हो रहा है और सभी वर्गों को मतलब कि हित में काम हो रहा है, सबका विकास हो रहा है। अभी जो मुख्यमंत्री जी ने जो गरीबों के लिए 2 लाख का घोषणा किया है, हर गरीब को मतलब जो गरीब है करीब 94 लाख गरीबों को जो मुख्यमंत्री जी ने 2-2 लाख रुपया देने का घोषणा किया है, ये बीजेपी और आरएसएस वालों को गले से नीचे नहीं उतर रहा है। और जो 15% आरक्षण बढ़ाने का काम मतलब किए हैं ये भी उनके गले से नीचे नहीं उतर रहा है। यही कारण है कि इन लोगों ने इस मुद्दे को भटकाने के लिए देश की जनता का निगाह दूसरे दिशा में ले जाए। सर ये है ना कि जिस तरह से ख्वाहिश है क्या लगा है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, पूरे बिहार में पोस्टर लगा है, हर पार्टी का अपना मुख्यमंत्री का एक उम्मीदवार होता है, चाहे छोटा से छोटा भी मतलब पार्टी हो या बड़ा से बड़ा पार्टी हो। तो अगर हमारे दल के लोगों ने अगर पोस्टर लगाया है तो ये कोई गलत बात नहीं है। अरे भाई, हर दल के लोगों का इच्छा होता है कि हमारे दल का मुखिया मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, तो मेरा क्यों नहीं इच्छा होगा? बीजेपी वही कह रही है कि आप लोग प्रेशर बना रहे नीतीश कुमार पे, इसलिए वो कुछ भी बोल जाते हैं सदन के अंदर भी। बीजेपी क्या कहेगा? बीजेपी का चाल चरित्र देखिए ना, अगर बीजेपी का चाल चरित्र सही होता तो जहां भी देखिए उसी के सांसद उसी के विधायक सब कुकर्म कर रहा है।